मनप्रीत का खाना खजाना से आज आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो आप कहेंगे कि इतनी बढ़िया चीज हमने पहले क्यों नहीं देखी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी इतनी इजी कि आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, सिर्फ आधा लीटर दूध है जिसमें आप चीनी हमेशा डालते हैं। कुछ लोग मैदे का इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ लोग दूध का पाउडर भी डालते हैं। इसमें सिर्फ मैं दो चीजों का मैजिक आपको बताऊंगी जिसे डालने से आपकी जो आइसक्रीम है बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने लिए हैं 10 चम्मच बड़े वाले चीनी के, मैंने लिया है आधा लीटर दूध, ये है मिल्क पाउडर, और ये है कॉर्नफ्लावर जिसको कहते हैं मैदा। फ्रेंड्स, इसमें मैजिक वाला है, ये है GMS पाउडर जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ये दाने वाली चीज है ना। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। और ये है CMC पाउडर जो सिर्फ इतना सा पड़ता है और आइसक्रीम में अलग सा मैजिक आता है जिसे हम मार्केट में खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके लिए मैंने 10 चम्मच लिए हैं चीनी के, 3 चम्मच मेरे पास है मिल्क पाउडर, और ये है 1.5 स्पून मैदा। इसमें 1.5 स्पून ही हम GMS पाउडर डालेंगे, और ये जो CMC पाउडर है ये है 1/8 स्पून, मतलब कि 1 चम्मच का 8वां हिस्सा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इन चीजों को मिलाएंगे तो इसका रेशियो ही इम्पोर्टेंट है, ये CMC पाउडर का और GMS पाउडर का, यही दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी आइसक्रीम के, जिसके बेस पर हमारी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया और आधा लीटर दूध से 2 किलो के करीब हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आइसक्रीम बनाना। ये जो GMC पाउडर है ये हमारी आइसक्रीम को क्रीमिनेस देगा, और ये जो CMS पाउडर है ये हमारी आइसक्रीम को पिघलने से रोकेगा, जो हमारी जल्दी आइसक्रीम पिघलेगी नहीं और मेल्ट नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फ्लेम ऑन कर ली है और इसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध, जो हमने लिया था वो दूध डालेंगे। ये फुल क्रीम मिल्क है, ये देखिए मैंने इतना सा दूध डालकर थोड़ा सा रख लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे हमारे जो 10 चम्मच चीनी के हैं वो डाल देंगे। चीनी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें हमें मीठा ज्यादा ही लगता है। तो इसमें हमने ये डाल दी चीनी और इसे हम मिलाते रहेंगे। इधर हम तैयार करेंगे अपना मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, ये जो थोड़ा सा दूध हमने बचाया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, ये 3 चम्मच है मिल्क पाउडर, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे दूध में। इसमें डालेंगे हम मैदा, ये है GMS पाउडर, ये देखिए बस इसे हमें घोल करके एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल बनाने लेना है, और ये है CMC पाउडर। बस यही दो चीजें हैं जो हमारी आइसक्रीम को बढ़िया सी बाजार वाली वनीला आइसक्रीम आप जिस भी फ्लेवर में कहें वो आइसक्रीम आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ये सिर्फ बेस है आइसक्रीम का जो आज हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। इसी बेस से ही हम अलग अलग तरह के फ्लेवर और आइसक्रीम्स बना सकते हैं। तो हम इसे घोल लेंगे अच्छे से, बिल्कुल लम्स फ्री कर लेंगे, इसमें एक भी लम्स ना रह जाए, इस तरह से इसे घोल कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये घोल इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ भी लम्स लगे या आपका घोल आपसे ना हो रहा हो, बिल्कुल मिक्स ना हो रहा हो, तो आप इसे मिक्सर जार में डालकर उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं ताकि बिल्कुल घोल पूरा एक से मिल जाए। तो अब हम इसे डालेंगे दूध में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध उबल चुका है, चीनी इसमें पूरी तरह से घुल गई है। अब अपना ये घोल इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे से डालकर इसे हल्के हाथों से मिलाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसे अच्छे से मिला करके 2 उबाल आने तक ही इसे हम फिर से गर्म करेंगे, और ये थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसे बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घोल धीरे धीरे से गाढ़ा हो रहा है, इसे हम हिलाते हुए ही इसे उबाल दिलाएंगे। बहुत ही इजी आइसक्रीम बनती है, बस इतने से दूध का ट्रिक है ये,
आप देखिएगा कितने बढ़िया से बनकर तैयार होगी और कितने लोगों के लिए कितनी क्वांटिटी में बनकर तैयार होगी। ये सिर्फ बेस है आइसक्रीम का, जिसे आप दो तीन या चार फ्लेवर में आप इसे कन्वर्ट करके आइसक्रीम के तीन से चार फ्लेवर बनाकर आराम से तैयार कर सकती हैं। तो देखिए हमारा एक उबाल आ गया है, दूध हमारा गाढ़ा होने लग गया है। ये देखिए बस अभी ये चम्मच पर कोट होने लगा है दूध, तो बस इतनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से चम्मच पे कोटिंग होने लग गई है। अब हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, ये और गाढ़ा होते जाएगा, ये और थिक हो जाएगा। तो अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर है जो कितना गाढ़ा हो गया है। ये है बेस जिससे हम आइसक्रीम की तैयारी करेंगे, जिसके लिए पहले हम इसे कंटेनर में सेट करने के लिए रखेंगे। ये 8 घंटे के लिए सेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसकी बस यही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप ये कितना गाढ़ा है, पूरा चम्मच में कोट हो रहा है। ये देखिए इसी तरीके से आप इसे गाढ़ा ही रखेंगे और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे 8 घंटे के लिए फ्रीजर में। तो आगे का प्रोसेस मैं फिर बाद में शुरू करूंगी और आपको दिखाऊंगी 8 घंटे के बाद ये सेट होगा और कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी आइसक्रीम का बेस जो है वो सेट हो चुका है। ये देखिए ये बेस बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख रहे हैं कितनी क्वांटिटी में है, सिर्फ इतना ही बेस है ये। और इससे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बढ़िया और कितनी क्वांटिटी में आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हम अपने बेस को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, इस तरह से छोटे छोटे इसके पीस कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितनी थिक फॉर्म में है। इसी कंसिस्टेंसी में जब ये होगा तभी हमें इसे ब्लेंड करना है। ये अगर लिक्विडी हो जाएगा तब ये आइसक्रीम नहीं बन सकेगी। तो मैंने ले लिया ये हैंड बीटर, इससे मैं इसे बीट करूंगी। पहले हम इसे बिल्कुल लो में करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। बस इसी गाढ़े इसी ठोस जो इसकी फॉर्म है हमने इसी में इसको बीट करना है। अगर आप मिक्सी में करेंगे तो इसके छोटे छोटे चंक्स करके फिर आप उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं। अब आप देखिए कि मैं इसे किस तरह से करूंगी। देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी फॉर्म बढ़ती जा रही है। ये देखिए अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे फिर से बीट करेंगे। धीरे धीरे से हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, अभी एकदम से हम इसकी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। Thank you.
देख सकते हैं जैसे जैसे ये ब्लेंड होता जाएगा इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते जा रहा है, ये तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब ये फॉर्म में आ जाएगा। बस इसी तरह से हमें इसे बीट करते रहना है, 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे और ये बढ़ता जाएगा। जितना इसे बीट करेंगे इसकी क्वांटिटी उतनी ही बढ़ेगी और ये उतनी ही ज़्यादा आइसक्रीम फ्लफी बनेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी अभी कितनी बढ़ गई है, ये देखिए मेरा पतीला आधे से ज़्यादा भर गया है। बस इसी तरह से हम इसे फैटना है। अब इसके लिए मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम जो है 250 ग्राम, 1 कप के बराबर ये क्रीम है जो मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए और फेंटूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये पतीला जो है किस तरह से बढ़ जाएगा। ये 3 किलो का है और इसमें आप देखिएगा कितनी क्वांटिटी आ जाती है। और इसी तरह से हम इसे फेंटते जाएंगे और इसको आइसक्रीम फॉर्म में लेकर आएंगे, बिल्कुल थिक फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरी आइसक्रीम जो है वो कितनी बढ़िया फॉर्म में आ गई है और देखिए कितना पतीला भर भी गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कि अब ये कितनी ज्यादा क्वांटिटी में हो गई है। बस इसी तरह से इसे फेंटते जाएंगे और आपकी आइसक्रीम तैयार है। आप चाहें तो इसमें अलग से फ्लेवर डाल सकती हैं। मैं इसे 2 फ्लेवर में बनाऊंगी, एक है चॉकलेट फ्लेवर, एक वनीला फ्लेवर में। तो सबसे पहले हम इसे साइड में करेंगे और मैं इसे एक बाउल में निकाल दूंगी आधी आइसक्रीम। मैं इस तरह से आधे इसके कंटेनर में निकाल दूंगी आधी, क्योंकि एक ही फ्लेवर तो हम खा नहीं ना सकते और डिमांड में भी रहता है कि ये फ्लेवर बनाओ और ये फ्लेवर बनाओ। तो मैं इसे चॉकलेट फ्लेवर के लिए अलग से निकाल दूंगी और इसमें मैं वेनिला फ्लेवर डालूंगी। मेरे पास है वेनिला एसेंस जो मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए ये है आधा चम्मच लिया मैंने वेनिला एसेंस जो इसमें डाल दूंगी और ये बन जाएगी वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। हमने कितना बेस लिया था आपके सामने में ही है और हमारी आइसक्रीम देखिए कितनी बढ़िया फूल कर तैयार हो गई है। तो इसे एक बार फिर से बीट करके एसेंस को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स हमारा वनीला आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी चेरी, ये देखिए, और थोड़ी सी मैं रख लूंगी डेकोरेशन के लिए। बढ़िया, कितना बढ़िया अरोमा आ रहा है वेनिला का, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम इसे कंटेनर में निकाल देंगे, हमारी वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम इसे कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी वेनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। इस पर डालेंगे थोड़ी सी चेरी और ये हो गई रेडी। इसे हम 8 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी चॉकलेट फ्लेवर। हम फिर से जो निकाली हुई आइसक्रीम है उसे अपने बाउल में डालेंगे।
फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी कोको पाउडर और बनाऊंगी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम। ये मेरे पास है कोको पाउडर, जो मैं डालूंगी 2 चम्मच इसमें। चॉकलेट फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आता है और जब ये आइसक्रीम आप बनाएंगी घर पे तो आपको बहुत ही तारीफ मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने मेरी ये आइसक्रीम खाई है उन्हें पता है कि यह आइसक्रीम कितनी टेस्टी बनती है। तो इसे हम एक बार फिर से मिक्स भी कर लेंगे और ब्लेंड भी कर लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम कितनी थिक हो गई है और कितने अच्छे फॉर्म में आ गई है। इसे हम 8 घंटे के लिए सेट करेंगे और फिर आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। अब मैं इसे निकाल दूंगी अपने बाउल में और इसे भी सेट होने के लिए रख दूंगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में मेरे पास आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि ये 1/2 किलो दूध से ही बनने वाली आइसक्रीम है। तो ये आइसक्रीम मैं सेट करने के लिए डाल दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो देखिए, पहले आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा बनकर तैयार हुई है। इसमें कुछ भी नहीं लगता, बस थोड़ी सी मेहनत है। और ये जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है कि इसमें इतनी इतनी चीजें डालेंगी, बस उसी मात्रा में अगर आप डालेंगी तो आपकी आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब मैं इसे कर देती हूँ बंद और रख दूंगी अपने फ्रीजर में सेट होने के लिए। तो मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग जब ये सेट होगी और मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। तो चलिए, अब 8 घंटे बाद आइसक्रीम हो गई है तैयार और मैं दिखाती हूँ कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार हुई, दोनों फ्लेवर में बहुत ही स्वाद लगती है ये वाली आइसक्रीम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हम गार्निशिंग कैसे करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये वाले कप्स। मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है और लिए हैं चिया सीड्स। मेरे पास थोड़े से चॉकलेट शेप्स भी पड़े हुए थे जो मैं अभी इसको यूज करूंगी अपने आइसक्रीम में। तो पहले हम आइसक्रीम कप में असेंबल करेंगे। बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार होती है, ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। इसमें हमने और कुछ भी नहीं दिखाया, जो भी मैंने वीडियो में दिखाया है जो भी चीजें, बस उन्हीं के यूज से ये आइसक्रीम बनी है। तो आप भी आइसक्रीम घर पर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। इसकी डेकोरेशन असेंबलिंग आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकती हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी आइसक्रीम तैयार। इस पर डालेंगे हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, चिया सीड्स डालेंगे थोड़े से, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, अदरवाइज आप नहीं भी डाल सकते हैं। इस पर डालेंगे हम थोड़े से चॉकलेट शेप्स। इस तरह से मार्केट स्टाइल जब हमें ऐसी इस तरह से आइसक्रीम्स मिलती हैं तो हमें कितनी पसंद आती हैं। ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया आइसक्रीम। अब मैं दिखाती हूँ कि हम इसे सर्विंग कैसे करते हैं। एक और कप में दिखा देती हूँ मैं। बच्चों को ये चीजें बहुत ही पसंद आती हैं और हेल्दी भी रहेंगी घर की बनी हुई चीजें। तो आप इस तरह से बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम चॉकलेट शेप्स डालेंगे और चिया सीड्स नहीं डालकर दिखाऊंगे। इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी चॉकलेट सिरप, जिस किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेट करें और अपने बच्चों को खुश कीजिए, घर पर हेल्दी रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं कि कितनी अच्छे से और कितनी इजीली ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इसमें जरा सी भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस हम घर में जैसे नॉर्मली बाकी सब काम करते हैं उसी तरह से ये भी काम हमारे रोजमर्रा के कामों में आता है। तो घर पर
चीजें बनाइए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, इंजॉय कीजिए। किसी भी तरह से आप इसे डेकोरेट कीजिए। फ्रेंड्स, ये चॉकलेट शेप्स जो हैं, अगर आपने मेरी ये पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसका वीडियो देख सकते हैं और इंजॉय कीजिए।